Hey guys, welcome back to my channel. This is Pallavi and you're watching Style and Shine with Pallavi. So today we have here no face off makeup, and that's because this is a skincare video and I have a full range of skincare right here. So guys, I was getting so many requests on my Instagram account and my YouTube also to review Good Vibes product that are available on Purple. So मैंने Instagram पे एक quick poll किया to know कि कितने लोगों को Good Vibes products का review देखना है, and my surprise, there are so many of you जिन्होंने बहुत सारा vote किया कि they want a review on Good Vibes products. So guys, I have a full skincare range of Good Vibes products जिसका मैं अभी review करने वाली हूँ. But before that, if you are new here, please take a moment to subscribe my channel and also hit the notification bell. And please make sure that you all follow me on my Instagram account and my Facebook page also. I am gonna leave my Instagram handle and Facebook page ID somewhere on the screen. Now without any further ado, let's dive right in the video. One thing I want to mention, that I bought 9 to 10 products from Good Vibes and it costed me around somewhere between 1100-1200, and that is very very affordable, and the packaging is also pretty impressive. So guys, I have 9 products from Good Vibes skincare range, and जिसमें से 3 products जो हैं वो मैं already पिछले 6 दिनों से use कर रही हूँ, जो कि है एक face wash, glow face wash and 2 glow toners. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके साथ ग्लो शब्द जुड़ा हुआ है वो यूज़ करके ही मैं आपको रिव्यू दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तब तक अपना करेक्ट ओपिनियन बता ही नहीं पाऊँगी उस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी. सो मैंने ये तीनों चीज़ें यूज़ कर ली हैं ऑलरेडी, और मैं इस समय भी आपके सामने एक डिटेल स्किन केयर रिव्यू करने वाली हूँ, ताकि जैसा मैं डेली करती हूँ तो मैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली प्रोडक्ट वर्क कर रहा है या नहीं. सो नाउ स्टार्ट द रिव्यू. सो गाइस, द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू शो यू इज अ फेस वॉश. इट इज़ गुड वाइब्स पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश. इट हैज़ नो पैराबेंस एंड इट इज़ अ क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ रियली वेरी नाइस, एंड इट कम्स इन अ पंप बॉटल. आई लाइक द पैकेजिंग ऑल्सो. सो मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे लेती हूँ. दिस इज़ अ जेल बेस्ड फेस वॉश एंड स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है फॉर मी. सो दिस फेस वॉश आई अप्लाई ऑन माई फेस. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल विच आई डोंट लाइक. मुझे नहीं पसंद आया वो स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ज़्यादा. दिस फेस वॉश इज नाइस फेस वॉश, बट इट इज़ नॉट हाइड्रेटिंग बट नॉट ड्राइंग ऑल्सो. सो टोटल अगर देखेंगे तो दिस इज़ अ नाइस फेस वॉश. सो गाइस, मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी इनको पिछले 6 दिनों से यूज़ कर रही हूँ इस फेस वॉश को. सो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस फेस वॉश. इट इज़ नॉट ड्राइंग बट नॉट हाइड्रेटिंग ऑल्सो. एंड इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन, इट इज़ अ नाइस फेस वॉश. अगर ग्लो की बात करें, जैसा कि इसकी बॉटल पे है ब्राइटनिंग फेस वॉश, तो उसने कुछ ब्राइटनिंग किया है तो आई डोंट थिंक सो. लास्ट 5-6 डेज से मैं ऐसा कुछ नोटिस नहीं कर पा रही हूँ कि इट इज़ अ ब्राइटनिंग फेस वॉश, बट ओवरऑल इट इज़ अ नाइस फेस वॉश एंड नाइस प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव फॉर यू गाइस इज़ पोमीग्रेनेट ब्राइटनिंग स्क्रब. इट हैज़ नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स एंड इट इज़ क्रुएल्टी फ्री विच इज़ वेरी नाइस, एंड दैट्स हाउ द टब लुक्स लाइक. एंड दिस द पैकेजिंग इज सो 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 क्यूट, एंड लेट्स सी ये कैसा है. सो मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं किया है. स्मेल्स रियली रियली नाइस एंड
का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है एंड ग्रैन्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। तो देखते हैं ये कैसा है। सो मैं इसको अपने फेस पे लगा लेती हूँ फ्रॉम द लिड। काफ़ी अमाउंट था लिड में। इट हैज़ अ क्रीमी टेक्सचर जो कि बहुत अच्छा फील दे रहा है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्क्रब यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, बट मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ माइल्ड स्क्रब। लेट्स सी कि कैसा है ये। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। मुझे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका स्मेल। एंड ग्रैन्यूल्स बहुत छोटे हैं, स्क्रबिंग पार्टिकल बहुत छोटे हैं। सो आफ्टर वॉशिंग माई फेस आई कैन से दिस इज़ अ वेरी गुड फेस स्क्रब, पोमेग्रेनेट ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। बट ब्राइटनिंग का मैं बोल सकती हूँ कि ब्राइटनिंग तो मैं नहीं देख पा रही हूँ इसमें, बट येस ये मेरे फेस को क्लीन बहुत अच्छे से किया है इस स्क्रब ने, और पूरी इम्प्योरिटीज़ निकल गई हैं, जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स थे वो एकदम निकल गए हैं। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा मुझे लगा क्योंकि इसका ये टेक्सचर बहुत क्रीमी है। मे बी इस वजह से इसने मेरी स्किन को ड्राई नहीं किया। यूजुअली आप जब कभी भी स्क्रब यूज़ करते हो तो अचानक से तुरंत से स्किन ड्राई हो जाती है जब आप फेस वॉश, लेकिन मेरी स्किन हाइड्रेटेड नहीं फील कर रही है, बट इट इज़ नॉट ड्राइंग ऑल्सो। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ नाइस स्क्रब और ये सारे स्किन टाइप्स के लिए चलेगा क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड है। तो दिस इज़ गुड, यू कैन ट्राई इट। नाउ मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू शो यू द थर्ड प्रोडक्ट। दिस इज़ गुड वाइब्स लेमन लिप स्क्रब एंड इट कम्स इन अ कार्डबोर्ड पैकेजिंग, सच अ क्यूट पैकेजिंग। एंड एनीथिंग विद द लेमन मुझे बहुत ही पसंद है फॉर लिप्स। लेमन क्योंकि मुझे फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है, अ लिटिल बिट नॉट टू हार्श। सो दिस इज़ द टाइनी बॉटल, इट लुक्स लाइक दिस। दिस इज़ वेरी क्यूट एंड ट्रैवल फ्रेंडली ऑल्सो। सो देखते हैं कैसा है। ये शुगर पार्टिकल शायद इसमें होंगे क्योंकि किसी भी स्क्रब लिप स्क्रब में शुगर पार्टिकल्स होते हैं एंड इट लुक्स लाइक कि इसमें है। सो लेट्स डिग इन। सो मैं ये लेती हूँ और मैं अपने लिप्स को स्क्रब करती हूँ, देन देखते हैं क्या है। आई रियली लाइक दिस स्क्रब, इट्स माइल्ड, इट इज वेरी माइल्ड। सो आफ्टर स्क्रबिंग माई लिप्स आई कैन फील द स्मूथनेस ऑन माई लिप्स एंड आई कैन से कि दिस इज़ वेरी वेरी नाइस लिप स्क्रब। एंड इसके पैकेट पे पीछे यहाँ पर की इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं जो कि हैं रॉ केन शुगर, कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल, बीज वैक्स, कोकोआ बटर, विटामिन ई एंड लेमन एसेंशियल ऑयल। एंड इट स्मेल्स लाइक अ सिट्रसी फूड लाइक लेमन ओनली, बट आई लाइक इट वेरी मच एंड दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। सो नाउ इट्स टाइम टू स्प्रे सम टोनर्स। सो आई हैव टू टोनर्स हियर फ्रॉम गुड वाइब्स एंड मैंने ये दोनों ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं। सो जो फर्स्ट टोनर है दैट इज़ गुड वाइब्स पोमेग्रेनेट ग्लो टोनर एंड इट हैज़ नो पैराबीन, नो सल्फेट्स एंड नो अल्कोहल। इट इज़ अल्कोहल फ्री एंड इट इज़ अ क्रुएलिटी फ्री ऑल्सो। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ ग्लो टोनर
ये आपके स्किन को ब्राइटनिंग देता है क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है और ये बहुत ही अच्छा टोनर है. सो एंड द सेकेंड टोनर इज़ गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर. दिस ऑल्सो एल्कोहल फ्री, पैराबीन फ्री, सल्फेट्स फ्री एंड क्रुएलिटी फ्री. एंड दिस इज़ अ रियली ग्लो टोनर. दीज बोथ आर वेरी गुड टोनर. एल्कोहल फ्री टोनर है तो ये बहुत ही अच्छे हैं. सो मैं अपने हाफ फेस पे रोज़ ग्लो टोनर एक साइड राइट साइड यूज़ कर रही हूँ और एक साइड पे मैं पोमेग्रेनेट यूज़ कर रही हूँ. सो आई यूज़ फर्स्ट दिस रोज़ ग्लो टोनर ऑन माई राइट साइड एंड द पोमेग्रेनेट ऑन that side and it smells heavenly. बहुत ही अच्छे smell करता है ये pomegranate वाला. and now I pat on my face a little bit. these two toners are really good for good vibes. बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही affordable है और एक्चुअली ग्लो टोनर है. एक चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि ये अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है एंड इनका ये जो स्प्रे बॉटल है, स्प्रे करना इज़ वेरी इजी. आप चाहे तो इसको कॉटन में भी लेकर के, कॉटन पैड पे लेकर के भी लगा सकते हैं, बट आई थिंक मुझे स्प्रे करना ज़्यादा इजी लगता है. बट अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं. नाउ ये मेरी स्किन में एक्चुअली अच्छे से पेनिट्रेट हो चुका है एंड आई एम फीलिंग गुड. सो दीज टू ग्लो टोनर्स आर. सो गाइज, इट्स टाइम फॉर फेस पैक एंड फॉर दैट आई हैव दिस गुड वाइब्स पपाया ग्लो फेस पैक. सी द पैकेजिंग, सच अ क्यूट पैकेजिंग ना. एंड इट हैज़ नो सल्फेट्स, नो पैराबीन्स, नो मिनरल ऑयल्स and it is a cruelty free product and it is very affordable also. so let's see ye kaisa hai. okay so ye papaya jaisa bilkul smell nahi kar raha hai. thankfully mere liye bahut acha hai kyunki I hate papaya and smell acha hai iska. and let's see ki ye work kaisa karta hai. so I put some decent amount on my finger and इसको मैं अपने पूरे फेस पे. so ये मैंने मेरे पूरे फेस पे लगा लिया है फेस पैक और ये 15 मिनट्स के लिए रखना है मुझे और फिर जब वो ड्राई हो जाएगा तो मुझे उसे वॉश करना है और फिर मैं वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ. सो आई वॉश माय फेस एंड आई कैन से दैट दिस पपाया फेस पैक रियली वर्क्स वेल ऑन माय फेस, ऑन माय स्किन. एक्चुअली मेरी स्किन ब्राइटन अप हो गई है, इसने मुझे ग्लो दिया है एंड आई रियली लाइक दिस. मुझे बहुत ही पसंद आया. मे बी पोमेग्रेनेट स्क्रब एंड दिस मास्क, ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर ये ग्लो क्रिएट कर रही हैं, बट इट इज़ वेरी नाइस. माय स्किन फील्स वेरी स्मूथ एंड क्लीन नाउ. सो एक्चुअली इस समय मुझे टोनर लगाना चाहिए फॉर सम हाइड्रेशन, बट एक्चुअली मैं टोनर पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ. सो मैं ये शीट मास्क यूज़ करूँगी जो कि मैंने गुड वाइब से ली है, ग्रीन टी स्किन प्योरीफाइंग शीट मास्क. सो आई विल यूज़ दिस फॉर द हाइड्रेशन ऑफ माई फेस. सो आई रिमूव इट और इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में सीरम है. वाओ, काफ़ी अच्छा है सीरम. वाओ, स्मेल सो नाइस एंड इट
is actually very nice sheet mask, good amount of serum, serum बहुत अच्छे से है, और इसमें ये cuts बहुत अच्छे से cuts भी दिए हुए साइड में ताकि वो अच्छे से आपके फेस पे फिट हो जाए. एंड नाउ आई एम लुकिंग लाइक अ घोस्ट. सो इसको मैं अपने फेस पे 15 to 20 minutes रखने वाली हूँ एंड आफ्टर दैट आई रिमूव इट एंड देन मसाज ऑन माई फेस. सो मैं अभी 15-20 minutes के बाद फिर आपसे मिलती हूँ. सो नाउ अभी 15 minutes हो चुके हैं. सो मैं ये शीट मास्क अपने फेस से हटा रही हूँ एंड वाओ आई फील सो नाइस. ये शीट मास्क थोड़ा सा वार्म लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, बट इसमें बहुत ही अच्छा अमाउंट था सीरम का. सो नाउ आई विल मसाज माय फेस विद दिस सीरम. एंड माय स्किन फील सो हाइड्रेटेड नाउ. वाओ दिस इज़ अ नाइस शीट मास्क. एक्चुअली सारे शीट मास्क ऐसे ही होते हैं एंड अमाउंट यू आर पेइंग फॉर दिस शीट मास्क आई थिंक सेम ही है. सारे शीट मास्क आपको 100 or 150 के अंदर मिलते हैं एंड आई लव शीट मास्क. आई लव यूजिंग शीट मास्क क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करते हैं. एंड इसका एक ये है कि इसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में सीरम था सो आई कैन मसाज माई लेग्स एंड दिस हैंड एंड आर्म्स ऑल्सो. सो काफ़ी अच्छा अमाउंट में था. सो आई कैन से द प्रोडक्ट वॉज ओके, नाइस प्रोडक्ट बट नॉट एक्सेप्शनल. सो बट आई लाइक दिस शीट मास्क. Now I will massage a little bit more on my face and pat my skin. Oh my god, I feel so comfortable, so smooth on my skin. So the next product I have for you guys is Good Vibes Orange Gel. And it is a cruelty-free product. It has no parabens, no sulfates. And such a cute packaging. It comes in a tub and आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं. You can apply it directly on your face, on your skin or on your hair also. And आप इसको DIY में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्रीम बनाने के लिए या कोई भी फेस पैक बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. So let's dig in कि ये कैसा है देखते हैं. So okay, firstly it smells like a orange bar. It's too harsh a smell. बहुत ही hard smell है इसका, बहुत ही harsh है और एकदम orange जैसा ही smell कर रहा है. ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक orange bar है इसमें. So let's see how it works. So I took a little amount of this orange gel and wow, it is really very nice. Great. So smooth and wow. So after applying that gel, orange gel, I can feel the hydration on my skin. मेरी skin बहुत ही ज़्यादा shine कर रही है, brighten up लग रही है. और this orange gel is actually is very good. And I can say
कि इसका स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लाइक थोड़ा नहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका इसका जो टेक्सचर है, सी द टेक्सचर, और ये जो आपके स्किन पे जो इसका इफेक्ट है, इट इज़ वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा यू नो इफेक्ट दिया है इसने जेल ने मेरी मेरी स्किन पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इट इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, सो आई लाइक इट वेरी मच. सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस स्किन केयर रेंज इज गुड वाइब्स कोकोआ बटर लिप बाम. इट कम्स इन कार्डबोर्ड पैकेजिंग एंड द की इन्ग्रीडियंट्स आर बीज वैक्स, सनफ्लावर ऑयल, कोकोआ बटर एंड वाइटमिन ई. एंड सी दिस इज छोटू सा बॉटल, एंड ये बहुत ही क्यूट सा बॉटल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ट्रैवल फ्रेंडली है. एंड लेट्स डिग इन, ये कैसा है, इसका स्मेल नाइस अच्छा है, एंड देखते हैं कि ये लिप्स पे कैसा है. इट इज़ जस्ट लाइक अदर लिप बॉम्स, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट इट इज़ नाइस, इट इज़ hydrating, yeah, it's nice hydrating, but मैं मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ extraordinary नहीं लगा इसमें, it is nice, okay, so मैंने जो ये स्किन केयर रेंज गुड वाइब्स स्किन केयर रेंज के 9 प्रोडक्ट्स आपके साथ जिनका रिव्यू शेयर किया, इनमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कौन से आए हैं, सो वो मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे कौन से फेवरेट हैं. तो सो फर्स्ट नंबर पे मुझे पसंद आया, नंबर 1 इज़ पोमेग्रेनेट ग्लो टोनर. गाइस दिस इज़ रियली अ गुड टोनर, बहुत ही अच्छा टोनर है ये, बहुत ही अच्छा ग्लो लाता है आपके फेस पे. इसमें ये अल्कोहल फ्री है, पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, एंड दिस इज़ अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट, एंड इसका एप्लीकेशन इज़ वेरी इजी एंड अफोर्डेबल भी बहुत है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ ग्लो टोनर. सो ये दिस इज़ माय फेवरेट टोनर. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई लाइक इज़ गुड वाइब्स लेमन लिप स्क्रब. इसका भी वर्क बहुत अच्छा था, जब मैंने लिप स्क्रब किया तो मेरे लिप्स के आसपास की सारी डेड स्किन इसने रिमूव किया, एंड मुझे बहुत ही सब पिंकिश ग्लो लग रहा था अपने लिप्स पर ये यूज़ करने के बाद, सो दिस इज़ आल्सो नाइस. एंड द थर्ड प्रोडक्ट आई लाइक इज़ पपाया ग्लो फेस पैक. इसने एक्चुअली मेरे फेस को ब्राइटन अप किया, ये यूज़ करने के बाद एक्चुअली मुझे लगा कि मेरा फेस थोड़ा ब्राइटन अप हुआ है, सो आई लाइक दिस ऑल्सो. एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई मुझे जो पसंद आया है, दैट इज़ अ ऑरेंज जेल, एंड इसका स्मूदनेस बहुत अच्छा है. हाँ, इसका स्मेल थोड़ा सिट्रसी है, स्ट्रॉन्ग सिट्रसी है, बट अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो इस बहुत ही ज़्यादा स्मूद है और स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, सो आई लाइक दिस ऑल्सो वेरी मच. बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, बट मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए. सो आप ट्राई करना चाहें तो सारे प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है, बट आई लाइक दिस प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताए, ये 4 प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद आए और ये मैं रीपर्चेज ज़रूर करूँ. सो इट्स अ रैप नाउ एंड आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो. सो इफ़ यू डू सो प्लीज़ गिव्स अ थम्स अप एंड टू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा. सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आप सबसे मिलूंगी, एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, बाय बाय.